एक ऐसा पत्ता जो आपके अंदर प्यार का रंग लाता है, एक ऐसा पत्ता जो आपके जीवन में ही नहीं, आपके यूज करने से आपके पार्टनर के जीवन में आपका रंग भरता है। क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं इस पत्ते से आपका अपना पार्टनर 100% आपका हो सकता है। खर्चा एक पत्ते का है और बेनिफिट अनलिमिटेड है। मैं ये कह रहा हूं कि फोन आने लगेगा तुरंत, मैं ये कह रहा हूं मैसेजेस बात हो पर, मैं कह रहा हूं कि मैसेजेस पर बात तुरंत होगी और ये इतना चमत्कारी है कि करते ही बेनिफिट देता हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई पान के पत्ते से पूरा प्रेम का समाधान है आज। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको जीवंत किया जाता है। 100% जहां आपके शादी के पहले, शादी के बाद की समस्या का समाधान होता है, उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। अब देखिए, समझने का कोशिश करिए। पिछले 20 सालों में अभी तक 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं। सक्सेस रेट जितने लोग आते हैं उसमें से कितने लोगों के काम हो जाते हैं? 95% प्लस, यानी 100 में से 95-96 लोगों के नाम हो, काम हो जाते हैं। उनका नाम होता है, काम होता है और उनका सम्मान होता है। जीवन में जब बहुत दुख बढ़ जाए, जब मुसीबत सर पर चढ़कर बोलने लग जाए, जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़े, तो लव विद एस्ट्रोलॉजी काम आती है। हाँ, यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, बड़े बड़े ग्रंथों का निचोड़ आपके सामने रखा जाता है और आपको जीवंत किया जाता है। ग्रंथों का निचोड़ और ऋषियों की वाणी आपके सामने रखने का मतलब यह है कि वही चीज है जो कभी निष्फल नहीं जाती। इसीलिए तो इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां लाभान्वित होते हैं। आज भी वही कह रहा हूं, तांबूलम मनसामया विरचितम। क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं तांबूलम मनसामया विरचितम भक्ति प्रभो स्वीकुरु। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा छत्रम चामरयोर्युगम व्यजनकम चा आदर्शकम निर्मलम। तत्पश्चात वीणा भेर मृदंग का हलकला गीतम च नृत्यम तथा। वेद कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, ये वो परंपरा है जिससे प्रेम, प्रेम से सम्मान, सम्मान से रिश्ता, रिश्ता से संबंध और संबंध से विवाह होता है। या तो विवाह में प्रेम, प्रेम में सम्मान, सम्मान में परिवार, परिवार में युति, युति में उन्नति होती। ये ऐसा सोपान है, ये ऐसी सीढ़ी है जिसमें जीवनांत करने की व्यवस्था है। जब नक्षत्रों में ग्रह खराब हो, ग्रहों में अनुग्रह खराब हो जाए और कुंडली में दोष आ जाए, महादशा, प्रतियंतर, सूक्ष्मांतर, न्यूनांतर, दशा बिगड़ जाए, जब आपके जीवन में किसी तरह का कोई भी बेनिफिट नहीं दिखाई पड़े, तो आप क्या करेंगे? आपको सिर्फ एक तांबूल का उपाय करना है। पान का पत्ता तो विश्व के हर कोने में मिलता है। हां जी, तांबूल बहुत महत्वपूर्ण है। तांबूल की परंपरा पता है आपको? पान दुनिया का पहला वो पत्ता है जिसको अपने पेड़ से कटने के बाद भी कनेक्शन टूटता नहीं। पान का पत्ता टूटकर कहीं भी चला जाए, जैसे ही उसकी पेड़ की जड़ काटी जाएगी, पान का पत्ता सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इतना कनेक्शन है उसमें। जबकि पान का पत्ता महीनों रखा जा सकता है हरा। पान का ही वो पत्ता है जो बहुत समय तक हरा रहता है, लेकिन जैसे ही उसकी जड़ काट दी जाए, वैसे पत्ता सूख जाता है, सड़ जाता है, समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इतना कनेक्शन है इस पत्ते के बीच में। पान के पत्ते का ही विज्ञान पकड़ के फोन का इजाद किया गया।
कि बिना किसी वायर के कनेक्शन कैसे मेंटेन किया जा सकता है, वो पान का पत्ता बताता है। पान के पत्ते की जो आकृति है वो दिल की आकृति है। पान के पत्ते में चूना कत्था दुनिया भर का प्रपंच डाल करके खा लीजिए और रंग सिर देख ही आता है प्यार वाला। लाल चुकी लाली देखन में चली, मैं भी है गई लाल। कैसे लाल हुई? लाली मेरे यार की, जित देखूं तित लाल। उस प्रेम की बात कर रहा हूं। यद्यपि तो परंपरागत भगवान ही प्रेम है, हम तो ईश्वर के लिए प्रेम की बातें करते हैं। भक्ति का वास्तविक नाम अमलया भक्ति है। लाली मेरे यार की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन में चली, मैं भी है गई लाल। तो साहब, ये तो वो चीज है कि दुनिया के सारे प्रपंच एक साथ एक रंग में लाल हो जाते हैं। यही तो प्रेम का रंग है, यही तो तुम्हारे रक्त का रंग है, यही तो तुम्हारे जीवन का रंग है, और यही तुम्हारी आत्मा का रंग है, यही परमात्मा का रंग है, यही सूर्य का रंग है, यही चंद्रमा का रंग है, यही मंगल का रंग है, यही तुम्हारी मेहंदी का रंग है, अरे भाई यही तुम्हारी महावर का रंग है, सिंदूर का रंग है। लाल तो वो है जो परमात्मा को समर्पित करने वाला रंग है। आज उसी पर बात कर रहा हूं। सीधा तुम्हें उपाय और लेकर के चलते हैं, उसके पहले वॉइस मैसेज लेते हैं। आपके बीच का अनुभव है, आपको सुना रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। ओम नमः शिवाय। गुरु पिता चरण आसपास आप जो कुछ मेरे लिए किए हैं उससे बहुत लाभ मिला। इतना लाभ मिला कि मैं इससे कोई शब्द नहीं, कुछ बता नहीं सकती। इतना फायदा हुआ मुझे। इसी तरह आपका आशीर्वाद सदा बने रहे गुरु पिता, सदैव बने रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव तुम्हें प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और सब तरफ से ठीक रखे तुम्हें। अब सीधा उपाय की बात। ये सब धन्यवाद, वैसे तुम खुद पात्र हो इस धन्यवाद के। तुमने श्रद्धा विश्वास नहीं रखी होती, तुम आगे बढ़ के प्रयास नहीं करते तो क्या कुछ होता था? क्या नहीं होता। तुम धन्यवाद के पात्र हो। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। इस भीड़ में तुमने मुझे चुना और मुझ पर विश्वास किया, इसके लिए तुम्हें धन्यवाद। अब मैं बात कर रहा हूं सीधा उपाय की। आपको चाहिए एक पान का पत्ता। या तो आप पान का पत्ता लगा लगाया भी ले सकते हैं, पान जो खाने वाला मीठा पान होता, नहीं तो पूरी सामग्री भी अवेलेबल कर सकते हैं। ये थोड़ा खोखट वाला काम है, लगा लगाया पान बिल्कुल सात्विक काम है। अब आपको करना क्या है, एक लगा लगाया पान लेकर के उसके एक तरफ अपना धीरे से नाम लिख दें और दूसरी तरफ बहुत हल्के हाथों से, क्योंकि पत्ता है टूट ना जाए, हल्के से अपने पार्टनर का नाम लिख दें और लिखने के बाद उस दोनों के ऊपर कोई भी मीठी चीज लगा दें। और वैसे तो उसमें गुलकंद बहुत पर्याप्त मात्रा में बाहर बह रहा होता है, लेकिन फिर भी कुछ और मीठा लगा दें और ऐसा करके भगवती के चरणों में अनुराग करके उनको स्मरण कराएं और उन्हें स्पर्श कराएं। फिर उनको मुखमंडल में थोड़ा खिलाते हुए खिलाने वाले भाव से रखिएगा, फिर देखिएगा। ऐसा करने से मंगला गौरी का आशीर्वाद आपको मिलता है। फिर क्या होगा? फिर होगा मन जाही राचेहु मिलही सो बरु, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानुशील, स्नेह जानत रावरो। ऐसा कुछ होगा तो तुम चाहते हो तुम्हारे स्नेह को समझकर, तुम्हारे दिल की पीड़ा समझकर भगवती तुम्हारे चरणों पर अनुराग करेगी। चौपाई बोलकर उन्हें स्पर्श करिए और उस पवित्र पान को लेकर के आइए और स्वयं भक्षण कीजिए। इस पान को मुख में रख करके जो भी स्त्री, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैं मंत्र कह रहा हूं, इसका जाप करिएगा। हे गौरी शंकर अर्धांगी, यथा त्वां शंकर प्रिय तथा मा कुरु कल्याणी, कांत कांतां सुदुर्लभां। ऐसा कहिएगा। और अगर आप अभी कुंवारी हैं तो आप दूसरे श्लोक का पाठ करिएगा। ओम कात्यायनी महामाये
महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। और अगर आप पुरुष हैं तो कहिएगा पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ऐसा कहिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मंत्र डाले गए हैं, अपना अपना मंत्र चुन सकते हैं, समझ सकते हैं और कर सकते हैं। बहुत खुश हो जाइए, मन से श्रद्धा विश्वास से उपाय करेंगे, आप सफल होंगे, हम हैं आपके साथ। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, रोना बिलखना परेशान होना उल्टा सीधा सोचना नेगेटिव थिंकिंग रखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जीत जाएंगे और फिर तुम्हारा काम होगा। वैसे तो मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूं, फिर भी लोकोपचार के लिए कह रहा हूं कि अपना ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय। सद्गुरु नाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सत मार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए दान के लिए संपर्क करें 9963660125। अधिक जानकारी के लिए 8447832114।